बादल और अक्षय। रात के वक्त आज ही चालू हुए नए 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर से घर लौट रहे थे। तकरीबन 11:30 बजे थे रात के। शहर की सड़कें खाली ही थी। इक्का दुक्का गाड़ियां जो रात को दिख जाती हैं वो भी नहीं थी, लिहाजा इनकी गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। दोनों ने 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज करीब करीब कुछ 100 मीटर ही पार किया था, जब एक आदमी फ्लाईओवर पर पैदल जाता दिखाई दिया। दोनों ने उस आदमी को देखा और हंसते हुए बोल पड़े, फ्लाईओवर पर पैदल चढ़ा तो चढ़ा, पार भी करेगा है? इतना कहकर दोनों हंसने लगे और उनकी गाड़ी उस आदमी के पास से गुजरकर आगे निकल गई। दोनों अपनी ही मस्ती में जा रहे थे, जब थोड़ी ही आगे उन्हें वही आदमी फिर से दिखाई दिया। ठीक वैसे ही उनकी गाड़ी से थोड़ा सा आगे जाता हुआ बादल ने गाड़ी धीमी की। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों को जैसे बिजली का एक और झटका लगा, क्योंकि वो आदमी जिसे पीछे होना चाहिए था वो पीछे नहीं था। बादल और अक्षय का हाल ये देखते ही और भी बुरा हो गया था। बादल ने इस बार अकलमंदी दिखाई और तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए आगे निकल गया। वो आदमी पीछे रह गया, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि फ्लाईओवर 5 किलोमीटर लंबा था। थोड़ा और आगे पहुंचकर बादल ने फिर से ब्रेक्स लगाई, क्योंकि वो आदमी एक बार फिर से कुछ देर पहले की तरह उनके थोड़ा आगे ही चल रहा था। बादल और अक्षय कुछ देर तक तो उस आदमी को बस देखते ही रह गए। डर, खौफ, घबराहट सब एक साथ महसूस हो रहा था उन दोनों को। एक ही आदमी 10 ही मिनट में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दिखाई दिया, वो भी 60 की स्पीड से चलती गाड़ी के आगे। उस आदमी ने बादल और अक्षय की गाड़ी की ओर एक कदम बढ़ाया और इधर बादल ने रिवर्स गियर लगाई। उस आदमी ने उधर से दौड़ना शुरू किया उनकी गाड़ी की ओर, और इधर से बादल ने गाड़ी पीछे भगानी शुरू की, और आखिरकार डिवाइडर के खंभे पर जाकर बादल की गाड़ी टकरा गई। चोटें दोनों को काफी आई थी और बादल और अक्षय दोनों ने गाड़ी की खिड़की में से देखा। वो आदमी रुका नहीं, थमा नहीं और न ही उनके करीब आया, चुपचाप वैसे ही चलता हुआ चला गया। होश आया तो दोनों सरकारी अस्पताल में थे। वहां के स्टाफ ने पुलिस को स्टेटमेंट लेने को बुलाया तो बादल और अक्षय के बयान सुनकर पुलिस वाले उल्टे उन्हीं पर भड़क उठे कि जरूर उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई होगी या कुछ कहीं गड़बड़ करके भागे होंगे, जो लापरवाही में खंभे से लड़ गए। अगली सुबह अखबार उठाकर देखा तो बादल और अक्षय को एक झटका और लगा। उनके एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो छपी, लेकिन उसमें यही लिखा था कि उन दोनों ने नशे में गाड़ी चलाते हुए यह एक्सीडेंट किया था। पूरी रिपोर्ट पढ़कर दोनों का खून ही खौल गया, लेकिन चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकते थे। रिपोर्ट पढ़कर एक बात पर बादल की निगाह पड़ी तो उसकी भौहें तन गई। रिपोर्ट में लिखा था कि पिछले 4 दिनों में जब से फ्लाईओवर चालू हुआ है तब से तकरीबन 7 ऐसे और एक्सीडेंट्स हो चुके थे। जिस पेपर में रिपोर्ट आई थी उसमें बादल का दोस्त काम करता था
उसकी मदद से बादल को सारे केसेस में जितने लोग थे उन सब के पते और फोन नंबर मिले। अक्षय के साथ मिलकर बादल अगले 3 दिन दर दर भटका, सारे लोगों से बातचीत की और आखिरकार पता चला कि ये सब के सब एक ही जैसे केस थे। सभी को एक ही जैसे कपड़े पहने, एक ही हुलिये वाला आदमी उसी फ्लाईओवर पर कई बार दिखाई दिया और उसी से बचने के चक्कर में सभी का एक्सीडेंट हुआ। बादल ये सब कुछ सुनकर थोड़ा घबराया हुआ था। अक्षय इस मामले में थोड़ा कम डरता था। बहुत ही मामूली लहजे में उसने कहा, भाई तू फालतू में डर रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है वहां पर जरूर। उस दिन गाड़ी मैं चला रहा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बादल को काफी मना कर समझा कर अक्षय उसे लेकर रात को वापस फ्लाईओवर पर पहुंचा। दोनों पूरी तैयारी के साथ गए थे फ्लाईओवर के बीचों बीच। गाड़ी एक कोने में खड़ी करके बादल और अक्षय उतर कर इधर उधर देख ही रहे थे, जब देखा एक के बाद एक उनकी तरफ आते स्ट्रीट लैंप्स के बल्ब अचानक से ही फटने लगे। अक्षय और बादल को इस वक्त काटो तो खून की एक बूंद न निकलती बदन से। फूटती हुई लाइट्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब बादल और अक्षय को पार करके आगे की लाइट्स भी फूटती जा रही थी। तकरीबन 5 और लाइट्स के बाद अक्षय को एक परछाई दिखाई दी जो धीमे धीमे चलती हुई जा रही थी और उसके पोल के पास पहुंचते ही लाइट्स अपने आप फूट रही थी। दोनों ने अपने अपने कैमरा ठीक किए और उस परछाई की ओर भागे जो वैसे ही काफी दूर पर थी। दोनों भागते गए उसकी ओर और थोड़े पास पहुंचकर दोनों के कदम ठिठक गए।